हेलो दोस्तों, मनी मार्केट चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती है उसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि स्टॉक मार्केट के बेसिक नॉलेज के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो स्पेशली दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमारे जो बिगिनर्स है दोस्तों, जो मार्केट में अपना एंट्री करना चाहते हैं या फिर जिन्होंने हमें जस्ट रिसेंटली जो मार्केट में एंट्री किया है शेयर मार्केट में, जिनको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है कि शेयर मार्केट होता क्या है, ये कैसे काम करता है, हम कैसे भी किसी शेयर को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, क्या फ़ायदा होता है शेयर खरीदने का, बेचने का, कैसे कई कंपनी के शेयर जो होते हैं अलॉट होते हैं, तो इसके रिलेटेड तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि वीडियो को लास्ट तक बने रहे। आपको अपने जो भी क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों आपके दिमाग में, सारे का दोस्तों आपको जो है आंसर मिल जाएगा आपको इस वीडियो के एंड तक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों को शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे जो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट। दोस्तों तो इसका आंसर दोस्तों कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट जो है दोनों एक ही चीज़ें हैं दोस्तों। कुछ लोग इसे स्टॉक मार्केट के नाम से बुलाते हैं, कुछ इसे शेयर मार्केट के नाम से बुलाते हैं। तो आपको इस चीज़ में बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की कोई बात जरूरत नहीं है कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट अलग है, दोनों दोस्तों सेम है और इन दोनों में कोई अंतर नहीं है सिवाय इनके नाम के। दोस्तों हम इसमें शेयर और मार्केट को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम मार्केट पे पहले जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, एक फल का दुकान है दोस्तों, जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आप बोल सकते हैं कि ये एक फल का मार्केट है, जहाँ पर आप क्या करते हैं, जाते हैं मार्केट में, आप अपने पसंद के अनुसार जो है अलग अलग टाइप के फल अलग अलग प्राइस में आप यहाँ से खरीद सकते हैं। सेम दोस्तों जो शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट में आपको जो है शेयर के मार्केट में से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम के शेयर है जो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे अवेलेबल मिलते हैं। तो आप उन शेयर्स को अपने पसंद के अनुसार खरीद सकते हैं शेयर मार्केट से। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि ये शेयर होता क्या चीज़ है। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, व्हाट इज शेयर, तो यहाँ पर दोस्तों मैं पढ़ के आपको जरा बताता हूँ। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू यूनिट और पार्ट्स ऑफ इक्वल अमाउंट। एवरी पार्ट और यूनिट ऑफ अ कंपनी कैपिटल इज कॉल्ड अ शेयर। कहने का मतलब है दोस्तों, एक कंपनी का जो भी कैपिटल होता है उस कैपिटल को दोस्तों जब कंपनी सेम अमाउंट में या फिर इक्वल अमाउंट में जब डिफरेंट यूनिट्स में या पार्ट्स में जब डिवाइड कर देती है, तो उसका जो हर यूनिट और हर पार्ट्स होता है दोस्तों, वही उस कंपनी का शेयर होता है दोस्तों। इसको जरा हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल आपके यहाँ पर स्क्रीन के सामने है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में, अ कंपनी हैव अ टोटल कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। तो कंपनी का जो है दोस्तों जो टोटल वैल्यू है तो उसका है ₹10 लाख। वहाँ पर नेक्स्ट पढ़ते हैं, कंपनी डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स टोटल कैपिटल इंटू 1 लाख यूनिट ऑफ ₹10 ईच। अब कंपनी क्या चाहती है दोस्तों, कंपनी चाह रही है जो मेरे जो 10 लाख का जो कैपिटल है या फिर जो टोटल वैल्यू है कंपनी का, उसको मैं 1 लाख यूनिट्स में डिवाइड कर देता हूँ और हर एक यूनिट का जो प्राइस होगा वो ₹10 का रहेगा। तो टोटल वैल्यू मेरे 10 लाख हो गए। तो यहाँ पर जैसे नीचे आप पढ़ सकते हैं, हेयर 1 लाख यूनिट्स इक्वल टू 1 लाख शेयर। तो यहाँ जो दोस्तों 1 लाख यूनिट है वही है शेयर। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी का जब जो टोटल वैल्यू को जो आप डिवाइड करते हैं सेम अमाउंट में, तो उसका जो हर एक जो यूनिट होता है उसी यूनिट को हम लोग है जो शेयर कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों 1 लाख जो यूनिट था वही है कंपनी का 1 लाख शेयर। नेक्स्ट दोस्तों आप नीचे जरा देख पाएंगे, ₹10 ईच। तो यहाँ ₹10 ईच क्या है दोस्तों, तो जो ₹10 ईच है वो वैल्यू ऑफ अ शेयर है। कहने का मतलब है कंपनी का जो है 1 लाख यूनिट इक्वल टू है 1 लाख शेयर, और उसका जो ₹10 ईच है दोस्तों, तो कंपनी के हर एक शेयर का जो वैल्यू है वो ₹10 है। कहने का मतलब है आपको अगर कंपनी का एक शेयर खरीदना है तो आपको उसके लिए ₹10 दोस्तों पे करने पड़ेंगे। और जैसे ही दोस्तों आप इस कंपनी के एक भी शेयर को खरीदते हैं तो आप बन जाते हैं दोस्तों इस कंपनी के शेयर होल्डर। अब मैं जरा आपको डिटेल में समझाता हूँ कि शेयर होल्डर होता है क्या चीज़ है। जैसे दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, व्हाट इज शेयर होल्डर, तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, द पर्सन हु ओन्स द शेयर ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर। जैसे कि मैंने आपको अपने एग्जाम्पल में समझाया कि कंपनी जो है अपने शेयर, कंपनी ने अपने जो है प्रॉपर्टी को टोटल जो वैल्यू था उसका 10 लाख रुपीस, उसको 1 लाख में डिवाइड कर दिया दोस्तों 10 रुपये ईच करके। आप जैसे एक भी शेयर 10 रुपये दे के उस कंपनी का खरीदते हैं तो आप बन जाते हैं उस कंपनी का शेयर होल्डर।
तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता चल गया कि शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है और शेयर होल्डर क्या होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग जो है शेयर खरीदेंगे कहाँ से, ऐसा कौन सा मार्केट है जहाँ पर हमें ये शेयर अवेलेबल मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है NSE निफ्टी 50, BSE सेंसेक्स। तो दोस्तों यही है वो मार्केट जहाँ पर दोस्तों हम शेयर खरीद या बेच सकते हैं। NSE का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है वो है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE जो है दोस्तों NSE अपने निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, और सेंसेक्स जो BSE जो है दोस्तों वो सेंसेक्स कहलाता है। तो ये दोस्तों आप बस इतना जान लीजिए कि NSE मतलब निफ्टी 50 और BSE मतलब सेंसेक्स है दोस्तों। बाकी दोस्तों हम आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि NSE में जो निफ्टी 50 है वो क्या चीज़ है, BSE जो है सेंसेक्स है वो क्या चीज़ है दोस्तों। तो आप बस दोस्तों इतना जान लीजिए कि हम NSE और BSE से ही हम किसी भी स्टॉक को या शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम NSE और BSE तो समझ गए कि यहाँ पर हमें शेयर मिलती है, लेकिन हम इसको खरीदे कैसे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको वो भी बताता हूँ। आपको दोस्तों मतलब स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर मैं आपको ज़रा जूम करके बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है NSE BSE, देन दोस्तों आपको जो लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर ब्रोकर, और नेक्स्ट दोस्तों आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा इन्वेस्टर। कहने का इस जो फोटो में दिखाया जा रहा है दोस्तों इसका मतलब क्या है कि अगर आप NSE और BSE से जब शेयर खरीदना चाहते हैं दोस्तों वो आपके पास डायरेक्टली नहीं आती, आप डायरेक्ट वहाँ पर जाके NSE और BSE से आप कोई भी शेयर खरीद नहीं सकते दोस्तों। इसके कुछ प्रोसेस होते हैं। कैसे प्रोसेस होते हैं, तो जो NSE और BSE है दोस्तों ये तो रहा मार्केट, आपको अगर जब भी कोई स्टॉक में या शेयर में इन्वेस्ट करना होगा फिर उसको खरीदना होगा तो सबसे पहले आप जो है NSE और BSE से जो है वो शेयर ब्रोकर के पास आता है, ब्रोकर जो है फिर आप इन्वेस्टर तक पहुंचाता है। मतलब आपको चाहिए जब कोई शेयर NSE के पास से सबसे पहले ब्रोकर के पास जाएगा, देन जो है दोस्तों आपके पास जाएगा, इन्वेस्टर के पास जाएगा। अब दोस्तों हम जरा जान लेते हैं ये जो ब्रोकर है वो ब्रोकर कैसा होता है, फिर उससे हम कॉन्टैक्ट कैसे करें। तो दोस्तों बेसिकली जो ब्रोकर्स होते हैं दोस्तों वो हमारे बैंक्स वगैरह ही होते हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों कुछ डिस्काउंट ब्रोकर भी होते हैं जो आजकल के डिजिटल ज़माने में दोस्तों सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको जरा यहाँ जूम करके दिखाना चाहूँगा दो टाइप के जो दोस्त हैं ब्रोकर्स होते हैं। एक होते हैं दोस्तों फुल सर्विस ब्रोकर्स और एक होते हैं दोस्तों डिस्काउंट ब्रोकर्स। हम जरा फुल सर्विस ब्रोकर्स में देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ICICI डायरेक्ट है दोस्तों, HDFC सिक्योरिटीज़ है, कोटक सिक्योरिटी है, शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, एडिलवीज है, एंजल ब्रोकिंग है। और दोस्तों हम जरा डिस्काउंट ब्रोकर में देख लेते हैं जीरोधा, अपस्टॉक्स, 5paisa, ये सारे दोस्तों आपके जो है टॉप है डिस्काउंट ब्रोकर्स दोस्तों। आपको क्या करना होता है दोस्तों, जब भी आपको कभी भी कोई शेयर खरीदना होता है तो सबसे पहले जो है आपको इन जो डिस्काउंट ब्रोकर्स या फिर जो फुल टाइम ब्रोकर्स है दोस्तों उसके पास जाना पड़ता है। जाके दोस्तों आपको एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलाना पड़ता है। आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है दोस्तों उस ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए जो है आप ट्रेड कर सकते हैं शेयर मार्केट में, और जो डीमैट अकाउंट है दोस्तों उस डीमैट अकाउंट के थ्रू आप किसी भी शेयर को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं आपको अलग से बताऊंगा कि ये जो ट्रेडिंग है और डी आपका इन्वेस्टमेंट है दोनों में क्या अंतर है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक हमें ये समझ में आ गया कि शेयर क्या होते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर होल्डर किसे कहते हैं, शेयर मार्केट में अगर हमको इन्वेस्ट करना है या खरीद बिक्री करनी है तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, उसके बाद हमको अगर शेयर मार्केट में खरीद बिक्री करनी है तो फिर वो कौन से ब्रोकर हैं जहाँ पर हमें अकाउंट खुलवाना पड़ता है। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें ही क्यों, और उससे अगर हम इन्वेस्ट करते भी है तो हम उससे प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं, या फिर उसमें जो लॉस होता है वो कैसे होता है, तो उसको भी दोस्तों हम एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। तो दोस्तों ये रहा आपका सवाल, हाउ डू वी मेक प्रॉफिट एंड लॉस इन स्टॉक मार्केट। मैं इसको जरा एग्जाम्पल से सबको समझा लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एग्जाम्पल, अ कंपनी हैव अ टोटल कैपिटल ऑफ ₹10 lakhs, कंपनी इशूड 1 lakh इक्विटी शेयर ऑफ ₹10, यानी कि कंपनी का जो टोटल वैल्यू है दोस्तों वो 10 lakh rupees का है, और कंपनी ने अपने हर एक शेयर को है जो ₹10 के भाव से 1 lakh equity share जो है मार्केट में छोड़े हैं।
तो सपोज यू बाय 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच, जस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने 100 शेयर खरीदे ₹10 के, तो टोटल दोस्तों आपने कितने ₹1,000 इन्वेस्टमेंट किए, राइट। अब मान लीजिए दोस्तों नेक्स्ट डे क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, व्हेन शेयर प्राइस ऑफ अ यूनिट विल बी ₹12, यू विल गेट प्रॉफिट ऑफ ₹100 इंटू ₹2 इक्वल टू 200 शेयर। मतलब दोस्तों आपने जो है शेयर खरीदा था ₹10 पर शेयर के भाव से, 100 शेयर, लेकिन जो है दोस्तों नेक्स्ट डे क्या हो गया, ₹2 पर शेयर इसका जो है भाव बढ़ गया, यानी कि शेयर का जो प्राइस है दोस्तों 12 पे पहुंच गया। तो आपको हर 100 शेयर जो आपका जो दोस्तों हर शेयर पे ₹2 का प्रॉफिट हुआ, आपने खरीदे थे टोटल 100 शेयर और आपको दोस्तों प्रॉफिट हुआ ₹2 का, इट मीन्स दोस्तों आपको टोटल ₹2 का प्रॉफिट हुआ। सेम दोस्तों जब प्राइस जो है दोस्तों ₹100 के आपका जो है ₹10 से घटकर दोस्तों जब ₹8 हो जाएगा, तो दोस्तों आपको लॉस भी बेयर करना पड़ेगा दोस्तों। तो आपका जो दोस्तों 100 शेयर आपने खरीदा था उस पर आपको टोटल ₹2 का लॉस होता है अगर पर शेयर पे, तो दोस्तों आपको टोटली ₹200 का नुकसान भी होता है। तो शेयर मार्केट में दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये चीज़ हमेशा जान लें कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना जोखिमों से भी भरा होता है। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आपको उसकी पूरी नॉलेज हो दोस्तों। आपको इसमें इन्वेस्ट करने से पहले दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो वगैरह जाननी पड़ती है स्टॉक मार्केट के बारे में। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस भी देना चाहूँगा, अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो बहुत छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो दोस्तों आप एक अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है उससे ज़रूर सलाह ले लें कि मुझे किस शेयर में और कितने में इन्वेस्ट करना है, कब तक के लिए इन्वेस्ट करना है वगैरह, आप अपने लिए एक फाइनेंशियल एडवाइज़र रख लें, तभी जो है दोस्तों आपको कम नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो बेसिक होता है उसकी जानकारी ली, हमने जाना कि शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, हम कहाँ पर कौन से ऐसे मार्केट है जहाँ पर ये शेयर्स अवेलेबल होते हैं, हम दोस्तों जो शेयर अगर हमको ख़रीदना है तो हम कैसे खरीदें, उसको कौन कौन से ऐसे ब्रोकर्स होते हैं जो जिससे हम मतलब शेयर मार्केट खरीदी बिक्री कर सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों हम शेयर मार्केट में क्यों एंट्री करें, उसमें कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है, हमने जो है बेसिक डिटेल्स ले लिया इस वीडियो में दोस्तों। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों हम इससे भी ज़्यादा जो है डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, और हर एक स्टेप को ज़रा डिस्क्राइब में आपको समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ मैंने दोस्तों इस वीडियो में अपनी जो है पूरी कोशिश की आपको स्टॉक मार्केट से जो बेसिक होती है उसके बारे में बताने की। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप उसको भी मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो कमेंट रहेगा उसका मैं जवाब जल्द से जल्द दे पाऊँ। वीडियो के एंड में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि जब भी हमारा कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को जाए दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर दोस्तों, धन्यवाद।